तो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल अंकुश शर्मा में। तो फ्री फायर के अंदर एक बिल्कुल नया इवेंट आ चुका है जिसका नाम है स्टेप अप इवेंट। और इस इवेंट के अंदर जो बंडल मिल रहा है वही हम निकालने की कोशिश करने वाले हैं। तो पहले सबसे पहले हमको 9 डायमंड वाला स्पिन करना पड़ेगा। ओके, डोंट रिमाइंड मी अगेन कर देते और कंफर्म करते हैं। यहाँ पर हमारा पहला पहला स्पिन है सजना। ओके, 9 डायमंड वाले स्पिन में हमको एड ऑफ मिला है और अगला वाला हमारा ड्रॉ है जो है वो अनलॉक हो चुका है। ओके, अब एक 29 वाला स्पिन करेंगे। इसके अंदर हमको फीमेल बंडल मिल सकता है। 29 वाले स्पिन में नहीं मिला, क्यू फ्रेगमेंट मिली है। और ये अगला वाला ड्रॉ भी अनलॉक हो चुका है। क्या बात है सर। इसके अंदर हमको 79 का स्पिन मिल रहा है। और आजा 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 79 में बंडल आजा, नहीं इनक्यूबेटर वाउचर आया है। अगला स्पिन 199 डायमंड का मिल रहा है, तो इसमें बंडल मिल जाना चाहिए। मिल जा रे 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 रे। तो यहाँ पर बंडल मिल रहा है हमको 499 का। जी हाँ गाइस, 499 डायमंड हमारे लग जाएंगे इस बंडल को लेने के लिए। तो यहाँ पर हम अपने 499 डायमंड लगा देते हैं और ये बंडल निकाल लेते हैं। जी हाँ गाइस, वैम्पायर मेलो वोलेंस बंडल निकल चुका है हमारा। ओ हो, क्या बात है भैया। तो 800 डायमंड के अंदर हमारे बंडल निकल चुका है गाइस। पिंक बैकग्राउंड है इसका और पिंक बैकग्राउंड काफी चमक रहा है। Nice. तो चलिए यहाँ पर इस बंडल को अनबॉक्स करते हैं ओपन गंगनम स्टाइल। जी हाँ गाइस, 5 पीसेस का बंडल आ चुका है, इसको इक्विप कर लेते हैं। जी हाँ, और एक फेस मास्क भी आया, मतलब 6 पीसेस है टोटल इस बंडल के अंदर। ठीक है, और अब यहाँ पर इस बंडल को देख सकते हो गाइस चारों तरफ से कैसा दिख रहा है। तो अब इस बंडल के साथ मैं आपको अपना गेम प्ले भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं इस बंडल को पहन के निकल गया था और मेरे सामने एक एनिमी आया, तो मैंने उसको एक क्या शानदार है तुम्हारा आपने देखा और पूरा खत्म कर दिया। लेकिन इसी बीच मेरे सारे के सारी साथियों को मेरे दुश्मनों ने नॉकआउट कर दिया था। मैं अकेला बचा था, मैं अकेला भारतीय योद्धा। यहाँ पर आके मैंने पीछे से एक और बंदे को पटापट हेड मारा और उसको भी डाउन कर दिया। अब यहाँ पर एक एनिमी बचा था और मेरा एक साथी जिंदा था, मैं अकेला नहीं था। और अब एनिमी अकेला था और हम दुकेले थे। तो यहाँ से मेरे सामने से एनिमी गुजरा और मैंने उसके पीछे गया और मैंने उसको भी हेड मार दिया और मैंने तीनों प्लेयर्स को चपा चिट कर दिया। क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। हर इंसान का सपना होता है वो बहुत ही ऊपर जाए। तो अगले राउंड के अंदर मैं भी ऊपर चला गया। अरे सर क्या बात है। और जैसा कि आप जानते हो, आपका अंकुर भाई दुनिया का वन ऑफ दी बेस्ट असोल्टर है। और अब आपका अंकुर भाई अपनी असोल्टिंग स्किल ना दिखाए ऐसा हो नहीं सकता। तो यहाँ पर एक एनिमी सीमेंटेड हाउस में घुसते मेरे साथियों को नीचे मार रहा था, तो मैंने अपने असोल्टर की जिम्मेदारी निभाई और उसको पेल डाला। और फिर मैं यहाँ पर प्री एम टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा था, जैसे वो एनिमी अपने खोपड़ी दिखाया मैं उसको पेल डालूं और बिल्कुल पेल डाला। और यहाँ पर असोल्टर वर्सेस असोल्टर की फाइट में आपका अंकुर भाई जीत गया। और जीतना ही था क्योंकि अंकुर भाई आपका वन ऑफ दी बेस्ट असोल्टर है। तो यहाँ पर मैं एनिमीज के रसर को ढूंढने लगा था क्योंकि असोल्टर को तो मैं खत्म कर चुका था। लेकिन एक चीज का मेरे को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि एनिमी के पास एक नहीं दो दो असोल्टर है। दूसरे असोल्टर ने मेरे साथी को नॉक कर दिया, लेकिन मैंने दूसरे असोल्टर को भी मार डाला और पहले वाले का भी किल कंफर्म कर लिया। अब इसके बाद गाइस एनिमी का सिर्फ एक रसर बचा था, तो उसको भी हमने यहाँ पर देख लिया था कि वो पीछे है। जहां मैं पीछे देखने लगा, जैसे वो आएगा ऊपर से मैं उसको पेल डालूंगा, थोड़ा वो डैमेज भी दे दूंगा, तो मेरे रसर उसको नीचे खत्म कर देंगे। क्योंकि असोल्टर का यही काम होता है एनिमी के रसर को हल्का सा डैमेज दे देना ताकि हमारे रसर के लिए आसान हो जाएगा उसको मारना। तो वहां पर मेरे को वो दिखा और मैं उसको डैमेज दिया, 20 का ही गया, लेकिन मेरे रसर ने उसको खत्म कर डाला। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट राउंड में सिचुएशन काफी इंटेंस हो जाती है क्योंकि मेरे सारे साथी एक एक करके मर जाते हैं और मैं अकेला बचता हूँ 1v3 करने के लिए। अब मैं ठहरा असोल्टर अकेले दो रसर से फाइट कर रहा था और मैं उनको देख भी लेता, लेकिन दुश्मनों के असोल्टर ने मेरे को दूर से गोलियां मार के धराशायी कर दिया और ये पहली विक्ट्री दुश्मनों के खाते में चली गई। अब आपका अंकुर भाई इंडिया का बेस्ट असोल्टर है, इसका मतलब ये नहीं कि शॉर्ट रेंज में अंकुर भाई के स्किल्स खराब है। यहाँ पर आप देख सकते हो शॉर्ट रेंज में भी आपका अंकुर भाई बहुत ही तगड़ा पेलता है। और यहाँ पर मैंने MP40 से 2-4 हेड मार के एक एनिमी को तो पूरा का पूरा साफ कर दिया। अब सवाल था दूसरे एनिमी का जो कि अंदर था, तो आपका अंकुर भाई उस पर भी क्लच कर देता और यहाँ पर बहुत ही तगड़ी फाइट होती है। यहाँ पर वो उसके पास शॉटगन थी और मेरे पास थी MP40, शॉटगन वर्सेस MP40 की फाइट थी। और आपके अंकुर भाई की मूवमेंट इतनी अच्छी है कि एनिमी के पास शॉटगन होने के बावजूद वो आपके अंकुर भाई को नॉक नहीं कर पाता और आपका अंकुर भाई एनिमी को खत्म कर देता है। लेकिन अभी भी दो दुश्मन जिंदा थे, तो अभी भी आपके अंकुर भाई का काम खत्म नहीं हुआ था। अब आपका अंकुर भाई बाहर निकलता है और बाहर गोलियों की आवाज सुनता है, वहां पर उनको एक और एनिमी दिखता है और वहां पर उसको भी धराशायी कर देता है। यहाँ
यहाँ पर आपके अंकुर भाई ने एक ही राउंड के अंदर 3 किल निकाल लिए हैं और अब आपके अंकुर भाई को आ चुका है एस का लालच। जी हाँ भाई, एनिमी के लोकेशन पता चलते ही चौथा किल करने के लिए आपका अंकुर भाई अकेले ही निकल पड़ता है। लेकिन कहते हैं ना, लालच बुरी बला है, तो यही सीख आपके अंकुर भाई को मिलने वाली थी। यहाँ पर अंकुर भाई 1-on-1 करते हैं एनिमी से। एनिमी के पास होती है लेवल 3 की वेस्ट और अंकुर भाई की सारी गोलियां उसकी वेस्ट छीनने में नाकाम हो जाती है और एनिमी ही अंकुर भाई को मार डालता है। आगे स्वाद। और जैसे कि आप जानते हो, आपका अंकुर भाई रैंडम प्लेयर के साथ खेलता है क्योंकि आपके अंकुर भाई के कोई दोस्त नहीं है। और यहाँ पर 1-on-1 में रैंडम चंदू एनिमी को खत्म कर देता है और यहाँ पर हमको बुया मिल जाता है, लेकिन MVP आपके अंकुर भाई को ही मिलता है। तो ये था गाइस हमारे नए बंडल का गेम प्ले। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, जैसे यहाँ पर मैंने अपने रैंडम साथियों को लाइक कर दिया है और एनिमी को भी लाइक कर दिया, वैसे आप भी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।